इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त। बस्तर दर्पण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सुन चुके होंगे, बहुत ही दुखद समाचार, बहुत ही बुरा समाचार सुनने में आ रहा है। दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी केडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सली विरोधी अभियान के लिए पहुँचे डीआरजी बल पर आईडी विस्फोट से 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर भी मौजूद थे उनके साथ, टोटल 11 लोग शहीद हुए हैं। इस मामले पे हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी का कहना है कि अब वो लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। नक्सलिज्म अब छत्तीसगढ़ से, अब बस्तर से ख़त्म होने के कगार पे है। हालांकि आए दिन घटना होते रहता है, आए दिन हमला होते रहता है। सरकार तो बोलती रहती है कि नक्सली ख़त्म होने के कगार पे है। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी सर बोले कि जो भी हमारे जवान थे वो एरिया का जांच पड़ताल करने के लिए, मुआयना करने के लिए गए थे, उसी बीच में नक्सलियों ने ये घटना को अंजाम दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा रोड की परखच्चे उड़ गई है, बस बहुत दूर जाके गिरी है। आपका क्या कहना है? क्या छत्तीसगढ़ से नक्सली हमला ख़त्म करना सरकार चाहती है या नहीं चाहती है? क्योंकि आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं। बने रहिए बाकी की खबरों के लिए। पूर्व इलाका में धर्मेश महोदय के उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सम्मेलन के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार लेते, उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोगों का शहादत हो गई। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीन ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकते हैं।